चलो माता जी हम चले गाड़ी के पहिए बदलवाने, टाइम आ गया जाने का। जाओ जाओ, ये तो जरूरी काम है, ये तो जरूर टाइम से कराओ, उससे पहले कि ज्यादा बर्फ पड़ जाए इंडिया में। ये बढ़िया था, वहाँ पे ये सब काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे भाई जब भी गर्मी आए बदलवाओ, सर्दी आए बदलवाओ, पर भाई अब जरूरी काम है, करवाना पड़ेगा। चलो महाराज मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो जी। चलो भाई करिए टाइल चेंज। फिर जी सर्दी आ गई है, टेम्परेचर -10 तक पहुंच चुका है, टाइम आ गया है टायर चेंज कराने का, क्योंकि प्रेफरेबल यही रहता है कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा -10 के नीचे जाए या फिर उसके आसपास आए तो टायर चेंज करा लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं, कभी भी स्नो पड़ सकती है। अगर स्नो पड़े, स्नो विंटर टायर ना हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्विस स्टेशन हैं प्राइवेट जो कि टायर चेंज करते हैं, पर वो थोड़े कॉस्टली हैं। तो हम टायर चेंज कराने जा रहे हैं कॉस्को। कॉस्को थोड़ा रीजनेबल है कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सर्विस सेंटर्स, पर कॉस्को में प्रॉब्लम ये है कि कॉस्को में बहुत लंबी लाइन होती है, हमें काफ़ी पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैंने एक महीने पहले अपॉइंटमेंट ली थी आज की। तो ये तो बोला कि अब 1.5 घंटा लगेगा टायर चेंज होने में, मेरे को तो लग रही है भूख। चल कोई आसपास रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, कोई है तो। चलो भाई देखें कुछ मिलता हो तो। ये सारा कुछ कोविड के चक्कर में लगा दिया है इन्होंने। वैसे तो कॉस्को के अंदर भी डाइनिंग होता है, बट कोविड के कारण वो सब बंद कर रखा अभी तो। शुक्र है ये मिल गया, वरना ठंड में कहाँ बाहर मरते हम लोग। ना गाड़ी है, 2 घंटे उन्होंने कार लगनी है। ये मेरा बर्गर। सेम ही है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, शकरकंदी के फ्राइज। वैसे वैसे ट्रे वगैरह मिलती है सारा कुछ, बट अब वो भी नहीं गए। बहुत भूख लगी थी मैडम, वहाँ तो टेम्परेचर है -11 और अभी भी टाइम बचा हुआ है हमारे पास वहाँ जाने का, है ना। खाना हमने बहुत जल्दी निपटा दिया आज, खाना भूख लगी हुई थी ना, अब क्या करें। देखो ऑप्शंस तो ये है कि यहाँ सामने कुछ स्टोर्स हैं, फर्नीचर स्टोर्स या फर्नीचर स्टोर्स, चलो तो ठीक है, पर इतनी ठंड में पैदल चल के कौन जाएगा। पास नहीं है कोई भी, जितना वॉकिंग कॉस्को है उससे ज्यादा दूर है। फिर क्या करें, कॉस्को चलते हैं वापस, शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदना ही है हमें वहां से। चलो ठीक है, चलो अंदर। हाँ जी, हम क्या खरीदा, ग्रोसरी खरीदी अभी तो, सब्जियां वगैरह मैंने, हेल्दी स्टफ थोड़ा और थोड़ी सी साथ लगते हुए। ये क्या है, ये नाइट सूट खरीदे मैंने, दो नाइट सूट। वो भी सेम क्या करेगी,
मम्मी और मेरा मैचिंग मैचिंग। वाह, सास बहू सेम सेम। और हो गए गाड़ी का टायर चेंज। हर बार गाड़ी का टायर चेंज कराने के बाद इट्स रिकमेंडेड कि कुछ किलोमीटर्स के बाद पहियों की रीटॉकिंग करानी चाहिए। रीटॉकिंग से मतलब है कि पहियों के नट बोल्ट कसा लेने चाहिए, दोबारा टाइट करवा लेने चाहिए एक बार जब टायर चेंज हो जाए उसके बाद दोबारा। ये बात हमें बड़ी एक्सपीरियंस के साथ समझ आई थी। कहते होते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं बीतती बंदे को समझ नहीं आता। क्या हम लोग गए थे लॉन्ग ट्रिप पे, हम लोग गए थे ब्लू माउंटेन घूमने के लिए। तब नए नए टायर चेंज कराए थे हमने और रीटॉकिंग करवाना भूल गए। और वो रास्ता बड़ा सुनसान था, हमें थोड़ा वॉबलिंग लगी गाड़ी में, वॉबलिंग लगी। उसके बाद मुझे लगा कुछ आवाज सी आ रही है, गाड़ी चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जैसे तैसे हमने ढूंढा नेट पे सबसे नियरेस्ट सर्विस स्टेशन कौन सा है, फटाफट गाड़ी वहां लगाई, वहां पहुंचे, उसको दिया चेक करने के लिए। वो बंदा कहता बहुत सही टाइम पे पहुंच गए हो, तुम्हारा टायर बस निकलने वाला था, तुमने अभी टायर चेंज कराया? हमने कहा हाँ अभी कराया। कहता रीटॉकिंग करवाई? हमने कहा नहीं। कहता लो बड़ी मुश्किल से बचे हो इस बार तो आप लोग। बस यही है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में। माता कुछ लाए हैं। सास बहू जोड़ी। अच्छा एक जैसा। ठीक है दिला दो। इसमें ना हाँ, और भी दो कलर थे, एक रेड था। अच्छा। रेड सा था, मैरून सा। अच्छा। एक था वाइट सा। अच्छा। तो मैं मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा मम्मी के लिए भी सेम ही ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, सही तो... मम्मी ये नहीं पहनेगी, मम्मी नहीं पहनेगी। तो मैंने कहा मम्मी पहन लेगी, दोनों एक जैसे पहनेंगे तो मम्मी पक्का ही पहन लेगी। नहीं, नरम है, बहुत बड़ी, बड़ा मजेदार लग रहा है, मजेदार है। ओ तो ये देख देख के ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे लग रहे मम्मी आपके टाइम पे होता था ऐसे कि सास बहू सेम कपड़े पहनते हो? सास बहू का तो इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजी हमारे काफी बड़े थे। हाँ। और मम्मी के तो जो शादी के कपड़े थे ना, मम्मी के कोट। हाँ जी। जो विंटर कोट थे वो तो मैं कॉलेज में भी पहन के जाती थी। वो मेरे को बिल्कुल पूरा आता था क्योंकि मम्मी तब पतली। हाँ। थी। और बीजी की एक दो साड़ियां बीजी ने मुझे दी थी। हाँ। मैंने पहनी थी जैसे आपने मुझे दी थी अपनी साड़ी। मुझे बड़ा मजा आता है वो पहन के। हम तो पहन लेंगे ना। बाकी सारी साड़ियां भी मैंने दबा ली है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या होगा। वरना मैं सोचती थी इतनी साड़ियां हैं मेरे से तो पहनी नहीं जाती, तो ऐसा ना हो बेकार ही ना हो जाए कहीं, तो तुम पहन लोगी, इससे बढ़िया बात क्या है। और कपड़े तो सनी से, मनी 3 साल छोटा था तो सनी के सारे कपड़े मनी को पहनाए मैंने। और यहाँ तक कि वो तो प्रैम भी, जो सनी की प्रैम थी वो ही मैंने संभाल के रख दी थी, वो जो है उसमें मनी को घुमाया। खाली कहते हैं मनी को नहीं, मेरे को ही ऊपर से ही कपड़े हैं बाकी कजन्स के। ये नहीं कि नए दिला दो, मैं जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा था। उसके बाद फिर जितने मेरे लंबे लंबे भाई भाई वगैरह थे सबके फिर कपड़े फिर लपेट के मेरे पास।
मेरे घर में ना मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे किसी के कपड़े नहीं आए, सबको मेरे ही कपड़े गए आगे। तो भाई ने भी तेरे कपड़े पहने? पूछती हूँ मम्मी से। और कपड़े तो पता है इसके और मन्नी वाले दोनों के, जब पापा लीबिया थे ना तो वहां से बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े भेजते थे, तो इनके कपड़ों में से कुछ कपड़े तो मैंने अभी भी इंडिया में अपना संभाल के रखे हुए हैं और हर साल उनको धूप लगवाती हूँ और गोलियां वोलियां डाल के रखती हूँ तेरे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। चलो अभी अब कल टॉपिक शुरू हो गया, अब कट लिया जाए। वैसे निकला तो हम टायर चेंज कराने थे बट उसके साथ साथ ये भी हो गया। सास बहू की ट्विनिंग होगी। वैसे मम्मी मियां बीवी करते हैं ट्विनिंग, बट हम सास बहू करेंगे दोनों। सो ये हमारी सास बहू की नई ट्विनिंग। आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन जो ये हमेशा कहना भूल जाता है।